स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान सागर में। अगर आप आने वाले समय में ज्योतिष विज्ञान धन एवं दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोस को आप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं नोटिफिकेशन बेल को आप दबाने से आने वाले नए वीडियोस को अपने फोन पे सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से देख पाएंगे। धनु राशि 3 से 8 सितंबर का राशिफल, 2019 का राशिफल इस वीडियो में आप जानेंगे। तो चलते हैं राशिफल की तरफ। धनु राशि के जातकों के लिए यह समय खुश नसीबी का समय है। सप्ताह के शुरुआत से ही चंद्रमा का गोचर दशम भाव में होगा, फिर एकादश, द्वादश एवं प्रथम भाव में चंद्रमा का गोचर होने जा रहा है। तो इन भावों में गोचर होने से आपके गुणों में वृद्धि होगी एवं आपके गुणों के अनुसार आपको फल मिलने वाला है। चंद्रमा का गोचर दशम भाव में होने से कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति होने के बावजूद आप मनोवांछित सफलता प्राप्त करेंगे। पारिवारिक जीवन के लिए कुछ अनुकूल माना जा सकता है। पारिवारिक जीवन में मन एवं दिमाग को केंद्रित करने की आपको आवश्यकता होगी। सप्ताह में आप समय व्यर्थ इस सप्ताह में आप ना करें। उसके साथ साथ चिंता के बावजूद भी आपका मन कार्य में लगेगा एवं अपनी अधिक मेहनत के कारण उत्तम परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे एवं अपनी मेहनत को आप जारी रखें। हालांकि चंद्रमा का गोचर एकादश भाव में होने से अचानक धन लाभ का योग भी बन रहा है। इसके साथ ही इस सप्ताह छात्र जो शिक्षा के क्षेत्र में जो मेहनत कर रहे हैं उन्हें सफलता प्राप्त होगी। वैवाहिक लोगों को अपने संतान पक्ष की ओर से सुख समाचार प्राप्त होने का योग बन रहा है तथा संतान की प्रगति का भी योग बन रहा है। अभिनय के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा रहे लोगों को अच्छी खबर एवं सफलता मिल सकती है। उसके अनुसार एवं चंद्रमा का गोचर द्वादश भाव में होने से रुझान धार्मिक क्रियाकलापों की ओर आपका ज्यादा बढ़ेगा। अच्छा खासा धन खर्च करते आप इस क्षेत्र में भी नजर आएंगे। आर्थिक स्थिति कमजोर रहने की उम्मीद इस समय दिखाई देगी सप्ताह के मध्य में, जिसके चलते आप परेशान भी हो सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर प्रथम भाव में होगा तो स्वास्थ्य में एक बदलाव देखने को आपको मिलेगा। अगर हर बात को गहराई से समझने का मौका भी आपको मिलेगा। भली बात समझते हुए किसी भी कार्य को आप करेंगे तथा दाम्पत्य जीवन में आप खुशियां बटोर पाएंगे। उसके साथ साथ विचारों में तालमेल का अभाव भी आपको देखने को मिलेगा तथा गलतफहमी एवं विचार अपने मन से आप निकाल दें, इससे आप परेशानी में फंस सकते हैं। उसके अलावा व्यवसायिक एवं करियर की दृष्टि से आप अच्छी उड़ान भर पाएंगे तथा आपका व्यवसाय 4 गुना रफ्तार से बढ़ेगा। अगर आपका कोई केस पेंडिंग में पड़ा हुआ है न्यायालय में तो उसमें आपकी जीत एवं अच्छे पक्ष की सुनवाई आपको हो सकती है, उसमें शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। प्रेम विवाह एवं व्यक्तिगत संबंध की अगर बात की जाए तो इस समय अवधि में या इस सप्ताह में प्रेम में पड़े हुए धनुराशि के जातकों के लिए प्रेम से संबंधित मामलों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। धैर्य के चलते प्रियतम को आप पूरा महत्व देंगे एवं धीरे धीरे स्थिति को आप समझ पाएंगे। सावधान रहने की सलाह आपको दी जाती है। शादीशुदा जातकों के लिए यह समय शुरुआत से ही अच्छा रहेगा। जीवन साथी तरक्की मिलने से घर परिवार में अंदरूनी प्रसन्नता का एहसास भी होगा। सप्ताह के अंत में गलत फहमी आप ना पालें तथा सेहत आपकी अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी। पेट से संबंधित थोड़ा बहुत समस्या आपको हो सकती है, उसके लिए अगर आप सुबह उठकर आप ध्यान करते हैं एवं सूर्य नमस्कार अगर आप करते हैं या कभी आप टहलने के लिए अगर आप सुबह सुबह जाते हैं तो स्वास्थ्य संबंधित आपको कोई भी परेशानी धनु राशि के जातकों के लिए नहीं हो सकती। जिन छात्रों का पढ़ाई में मन नहीं लगता वो सुबह उठ के ध्यान करें 5 मिनट या ओम का उच्चारण करें तो यह भी उनके लिए कारगर एवं लाभदायी साबित होगा। अपना मन एकाग्र एवं फोकस करने में वो पूरी तरह से कामयाब हो पाएंगे। उपाय की अगर बात की जाए तो भगवान शिव की आराधना करना धनु राशि के जातकों के लिए बेहद ही अच्छा रहेगा तथा वृक्षारोपण करना, पेड़ लगाना आपके लिए बेहद ही खास रहेगा। हो सके तो आप गरीबों की मदद भी कर सकते हैं, इससे आप आने वाले अपने जीवन में समस्त कष्टों से दूर रह सकते हैं एवं आपके मन को शांति मिलेगी तथा जीवन में अगर आप किसी कष्ट से जूझ रहे हैं तो उससे भी आपको सफलता मिलेगी एवं आप उस कष्ट से बहुत जल्द निकल जाएंगे। उम्मीद है ये राशिफल आपको अच्छा लगा। अगर आप आने वाले नए राशिफल की जानकारी जानना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आप अपना ख्याल रखें, अपने सहयोगी जनों का ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।